जनाब यारी खुश आमदेद कहते हैं आपको, और ये हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बैतबाजी का मुकाबला, और आज इस सिलसिले का पहला सेमीफाइनल है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के दरमियान। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हैं अली मुख्तार और फिज़ा नदीम, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हैं तौसीफ हुसैन और खादिम हुसैन हमारे साथ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने 75 साल मुकम्मल कर रहा है और अपना सफ़र पाकिस्तान की तरक्की के साथ मुंसलिक करता है। नेशनल बैंक और पाकिस्तान इकरार में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरी नसीब अंबर साहबा हमारे साथ हैं, जो फाइनल के जो ऑफकोर्स आज के विनर होंगे वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए लैपटॉप्स के तहाइफ हैं, आज के जो रनर्स अप हैं उनके लिए LEDs के तहाइफ हैं। जनाब इकरार भाई आप कुछ पढ़ दीजिएगा और फिर डॉक्टर साहबा के शेर से पहले सेमीफाइनल का आगाज़ हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, दो अशआर बास्ताविश साहब के, एक उम्मीद पसे दीदाए तर जिंदा है, एक उम्मीद पसे दीदाए तर जिंदा है, फाख्ता खून में लथपथ है मगर जिंदा है। हादसा ये था मेरा रख्ते सफर लूटा गया, मोजज़ा ये है मेरा शौके सफर जिंदा है, जिंदा है। वाह, रहमान फारिस के शेर है, गालिबन अब्बास ताविश साहब जी। नहीं, रहमान फारिस। अच्छा, हमारा ख्याल। चलिए गूगल करूं मैं आपके। दो अशार डॉक्टर साजिद रहीम के हैं, बहुत उमदा शायर, के झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, सही। मुझे सेट पे मौजूद लोगों के से लगा कि अक्सर लोगों ने रिलेट किया है इससे, आप यकीन करें मैं देखा है लोगों के चेहरों में, पढ़ा है मैंने। चले जी, तो कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है, ये से करते हैं जी जनाब 5 मिनट। यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है, रेत पर चलता हूं दरिया का पता चलता है, होते होते तेरे राजों की खबर होती है, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता है। चलता है जनाब। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, खुला फरेब मोहब्बत दिखाई देता है, अजब कमाल है उस बेवफा के लहजे में। लहजे में नून टीम ए। निडाल प्यासे अकेले उदास बैठ गए, हुसैन लाशाए अकबर के पास बैठ गए। ये टीम बी। ये आंखें अगर हैं तो बहुत कम है ये आंखें, हर समत यहाँ तेरे नज़ारे हैं कम व बेश, एक तेरे तगाफुल को खुदा रखे वगरना, दुनिया में खसारे ही खसारे है कम व बेश। कम व बेश शीन के लिए तैयार रहिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की टीम। जनाब शीन। शाम के मंजर को तकना भी इबादत है मेरी, मुझको जाने दे मेरा सूरज कजा हो जाएगा, मुझको जाने दे मेरा सूरज कजा हो जाएगा। अलिफ टीम बी। अपने खुदा को मैंने खुदाओं में बैठकर ढूंढा है 20 साल बलाओं में बैठकर, बेटों को रोजगार का दुख शहर ले गया, माएं ज़ईफ हो गईं गाँव में बैठकर, बैठकर। जनाब रोने वालों को बड़े घर का बड़ा फायदा था, हम तो बेबस थे मियां सामने माँ होती थी, माँ होती थी। ये टीम बी। ये वक्त इस तरह रोने का तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे सोगवार अब आए सहर, मैं क्या करूं कि मेरे सोगवार अब आए, बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, गमों ने चाट लिया गम गुसार अब आए। ये टीम ए। ये रिज़्क़ इश्क फराहम बहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए,
वो इतना ढेर हसी था कि हम पे वाजिब है तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। जनाब ये दश्त क्या है, ये दरिया से मुख्तलिफ क्यों है, ये मुख्तलिफ का तसव्वुर भी तब है जब मैं हूँ यहीं किनेज़े तशकीक के निशाने पर, कभी खुदा हुआ करता था और अब मैं हूँ। अब मैं हूँ नून नाखूने पाने तलिस्मात के दर खोल दिए, पंखड़ी देख के याद आ गया सारा मौसम। सारा मौसम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की टीम मीम। मोहब्बतों को बेसबब जवाल कैसे आ गया, ये बैठे बैठे आज एक ख्याल कैसे आ गया। अभी तो जिंदगी को रेजा रेजा चुन रहा हूँ मैं, अभी से ये शिकस्त का सवाल कैसे आ गया। अलिफ टीमे। ए गलत फहमियों तुमने मुझे रब माना था, वसवसों तुमने मेरे हाथ पे बैत की थी, बचपना खत्म ना हो पाया मेरा जिंदगी भर, एक बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत की थी। मोहब्बत की थी ये जनाब ये रूबरू का हौसला जचता है बस हरीफ को, तू पुश्त का सवार है सो पुश्त पर ही वार कर, एक दिन मेरे सुकूत से थक कर मेरे खुदा ने भी मुझसे कहा कोई गिला ए मेरे बुरतबार कर कर रे। रख रखाव में कोई खार नहीं होता यार, दोस्त होते हैं हर एक यार नहीं होता यार, लड़कियां लफ्ज की तस्वीर छुपा लेती हैं इनका इजहार भी इजहार नहीं होता यार। यार रे एक मिनट और। रास्तों क्या हुए वो लोग की आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए जीते रहिए। ये टीम ए। ये मोहब्बत है बचपना अपना, हम बिछड़ने के दिन बड़े होंगे, सब बने होंगे अपने बनने पर, तेरे बनने पे हम बने होंगे। ये टीम बी। जी ये टीम ए टीम बी ये एक ये दो यहीं कहीं मेरे अंदर कोई तड़पता है, यहीं कहीं पे कोई यरगमाल दर्द कहे, सहर सिसकती हुई आसमान से उतरी तो दिल ने जान लिया ये भी साल दर्द का है। टीम ए आखिरी दो अशआर जनाब। यार अच्छे न किसी यार की सोहबत अच्छी, तखलिया आज से बस अपनी रफाकत अच्छी, ये जो तू दूर नहीं जाता कभी भी मुझसे, ए बुरे वक्त तेरी बस यही आदत अच्छी। ये आखिरी शेर सुना दीजिए। यानी तुम वो हो वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया, कह कहा मारते ही दीवाना हर गमे जिंदगी को भूल गया। राइट जनाब अल्फाज पे जाएंगे आप खाला जी। डॉक्टर साहब क्या राय है आप लोगों की, अगर अल्फाज पे नहीं जा रहे तो फिर हम दो मिनट और अशार सुन सकते हैं, अल्फाज पे जा रहे हैं तो फिर हम उस पर आते हैं। हमारा ख्याल है थोड़ा और बढ़ा लें, वैसे तो खैर यानी कबीम का वक्त मुख्तसर है ना हाँ, हमारा तो हाँ, क्योंकि फिर दो मिनट अगर हम कंटिन्यू करते हैं फिर हमें अल्फाज पे जाने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा फिर हमारा। हाँ लेकिन उसके बाद से हमारे पास अल्फाज का ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर हम इनको मजीद वक्त देते हैं अभी तो फिर हमारे पास अल्फाज पे जाने का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हमें वक्त महदूद है, तो या अल्फाज में जाना है तो मैं अभी जाना होगा, वरना अगर दो मिनट देते हैं तो फिर आप लोगों ने तय करना होगा कि आपने फिर मयार पर ही तय करना है बस। मेरा ये ख्याल है कि मयार पर नहीं जा, मेरी राय ये है। डॉक्टर साहब का एक टीम की तरफ है रुझान तो आप दोनों के बीच में मेरे में एक मुकाबला अगर, अगर हमारे बीच मेरा ख्याल उसके बाद नहीं, अगर चूंकि हमारे बीच इख्तलाफ है फैसले हाँ। का तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम अल्फाज पे चले जाएं। हाँ ठीक है सही है मेरा ख्याल है कि फिर क्योंकि आपका भी एक पॉइंट और आपका भी एक पॉइंट है इसमें ना, तो आप अल्फाज पे जाएं ताकि ठीक है आ जाए सही आइए हाँ आइए। तो जनाब मुझे बताइएगा कि मैं खड़ा ठीक हूँ क्योंकि हर बार का जनाब
अच्छा भाई ये देखिएगा, दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात। हाँ देखिए ये प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ वक्ती तौर पे जीत जाएंगे कोई भी लफ्ज आगे पीछे करके, मगर वो जाहिर है बाद में भी इंटरनेट के तवसुत से और किसी तरह से सामने आ जाएगा तो फिर वो एक तजहीक वाला मामला होगा, वो जीत आपकी जीत नहीं होगी, वो बिल्कुल एक उलट तरह से। तो मेरा ये ख्याल होगा कि भले हारिए लेकिन ज़रा इज्जत और एहतराम के साथ, तो कोशिश ये कीजिएगा कि बिल्कुल कोई तुकबंदी मत करें और किसी भी तरह से गलत शेर मत सुनाए जानते बूझते हुए, ठीक है? क्योंकि बाद में भी ऑप्शन हमारे पास रहेगा डिस्क्वालीफाई करने का आपको अगर कोई गलती होती। और इस सेगमेंट में लफ्ज ज्यादा जरूरी है जनाब, जरूर आना चाहिए उस शेर में। ठीक है जी, पहला लफ्ज दाएं से घुमाते हुए दिखा रहा हूं, लफ्ज है 72। ए टीम ए 72, 1 72, 2 72, 3 जनाब टीम बी को ये पॉइंट चला गया। इसमें कोई रियायत वक्त की नहीं हो सकती, बहुत माजरत इसलिए कि आपके वक्त, मैंने हमेशा ये कहा है कि आपको जब सूझे शेर तब बजर बजाइए, बसूरत दीगर समझें कि एक पॉइंट टीम बी को चला गया। लफ्ज है अकीदत। अकीदत मंजिल इंसानियत में कब जरूरी है, मैं हिंदू हूं मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूं। सही। अच्छा पहले मिसरे में कुछ है गड़बड़। हाँ 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 हाँ, दूसरा तो सही है, मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूँ। देख लीजिए पहला मिसरा यही है, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी आप दोबारा से रिकॉल कर लें, अकीदत का लफ्ज है इसमें। भाई इसके अलग से चार्जेस होंगे क्योंकि मैं, हाँ ठीक है मैं आपको मैं करता हूं, जल्दी करें, टाइम नहीं हमारे पास। आपने मुझे आपने जज कर लिया है। अकीदत मिसरा दोबारा, मिसरे में गड़बड़ है ये तो तय है, दोबारा। अकीदत मंजिल इंसानियत में कब जरूरी है, मंजिल इंसानियत में नहीं, वजन में तो भारत गड़बड़ है, वजन में है। अकीदत मंजिल इंसानियत में कब जरूरी है, देख लीजिए। हाँ तो ये है अकीदा जनाब, अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है, मैं हिंदू हूँ मगर वो अकीदा मेरा हिंदुइज्म है लेकिन मैं एक बुशकन से प्यार करता हूँ। तो ये एक पॉइंट चला गया टीम ए को। अकीदा कह रहे हैं, इन्होंने अकीदत पढ़ा है जो दस्तियाब मवाद के मुताबिक लफ्ज अकीदा है, तो दोनों कह रहे हैं मुझे दोनों में फर्क, अकीदत और अकीदा में फर्क है, लिहाजा टीम ए को ये पॉइंट चला गया। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि अकीदत से वजन नहीं ठीक हो रहा पहले मिसरे का, तो लिहाजा अब एक एक पॉइंट दोनों टीमों का बराबर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता कि आपको ना पता हो कि अकीदा था या अकीदत था, एहतियात कीजिए, ख्याल कीजिए, इसीलिए पॉइंट हमने टीम ए को दे दिया। लफ्ज है वक्त। वक्त एक, पांच तक गिनते हैं, सोच लीजिए, घड़िएगा मत, अगर शेर हो तो सुनाइएगा। वक्त दो, वक्त तीन नहीं है, चलिए शेर किसी के जहन में, ठीक है जनाब। एक बड़ा नात का भी खूबसूरत, मैं के बे वक्त बे माया हूं तेरी महफिल में चला आया, इस तरह की बात हर इशार हो सकती थी। चलिए जनाब लफ्ज है रौनक। जी टीम बी रौनक। तालिब रहे रौनक के जुनूवर भी रहे हम, सहरा को भी आबाद किया घर भी रहे हम, दीवानगी कम हो न सकी अपनी वहां भी, मजनून सिफत बरसरे महशर भी रहे हम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब, जिंदाबाद। लफ्ज वजन में भी है शेर, मानी भी ठीक है, तो रौनक से दो पॉइंट हो गए टीम बी आपके, एक पॉइंट है टीम ए का। लफ्ज है चटाई। नातिया शहर भी बहुत है इसमें। जी बहुत सारे, चटाई चटाई एक, चटाई बहुत अच्छा हवाला दिया, नात के तो बहुत सारे अशआर, नात के बहुत अच्छे हैं, सरकार को आराम से मंसूब बहुत है, बहुत ये लफ्ज इस्तेमाल हो। चटाई दो, लेकिन बस प्लीज घड़ कर मत सुनाइएगा, शेर हो तो ठीक है। चटाई तीन, चलिए जी ठीक है, खत्म हो गया। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है कोई महबूब। अच्छा अब जो मैं लफ्ज, चूंकि हम कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके जो शय बनती है इस लफ्ज से, उस शय पर शेर नहीं सुनाया जा सकता, उस चीज पर शेर नहीं सुनाया जा सकता, उसके नतीजे में जो लफ्ज मैं बता रहा हूं उसी पर शेर सुनाएंगे आप, ठीक है? ये मैंने वजाहत कर दी है, जब आप लफ्ज सामने आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लफ्ज है चरागा, यानी चराग पर शेर नहीं सुना सकते आप, चरागा। हाँ जी चरागा, जी चरागा एक, चरागा दो, चराग मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। अच्छा जी लफ्ज है आस्ता। टीम ए टीम बी। जी आस्ता एक, बैठने कौन दे है फिर उसको,
जो तेरे आस्था से उठता है। जनाब 3 points हो गए टीम बी के। राइट सर। अच्छा वैसे वहाँ अकीदा से ही मतलब बन रहा है उस मिसरे का, वहाँ अकीदा ही है, अकीदत नहीं है, लेकिन आप लोग बच गए। नहीं बोले, इसीलिए हमने पॉइंट दे दिया था, हमने कोई ऐसा रियायत नहीं की। जिंदाबाद। चले जी, बहुत मुबारक हो पार्टिसिपेंट बी के, जो पार्टिसिपेंट है टीम बी के, उनको अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन जाहिर है वो किसी। सो हमारे फाइनल का पहला हमारे पास टीम आ गई है, बिल्कुल, जो कि है टीम बी। बहुत सारे ताले में रुख्सत करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शानिल में हमारे साथ आज एक खास मेहमान भी होंगे, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा।